करते हैं चैप्टर को। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस पेड़ के नीचे अपनी सिस्टर को स्टोरी बुक रीड करते हुए सुन रही थी, पेड़ के नीचे लेटकर। सडनली शी सॉ अ व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। तभी अचानक उसने देखा उसके पास से एक सफेद रंग का रैबिट जो था वो छलांगे मारता हुआ गुजरा। ही हैड पिंक आईज। उस रैबिट की आंखें कैसी थी? पिंक। एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट। और उसने नीले रंग का कोट पहना हुआ था। देखो रैबिट था या कोई इंसान था भाई, सूट वूट में घूम रहा था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। उसने out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, oh dear, I'll be too late. वो जो रैबिट था उसने अपने पॉकेट में से एक वॉच निकाली और टाइम देखते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा और कहने लगा, अरे यार मैं तो बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं तो लेट हो जाऊंगा। She thought there was something very different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. जो एलिस थी उसने सोचा ये रैबिट तो बड़ा डिफरेंट तरह का है यार, ये तो बात भी कर सकता है, इसने लाल रंग का वेस्टकोट भी पहना है और इसके पास एक वॉच भी है। ऑब्वियसली कभी भी हम किसी जानवर को ऐसे देखेंगे इस गेटअप में तो हमें भी अचंबा लगेगा ना। एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट। एलिस सोचने लगी, अरे वाह एक बात करने वाला रैबिट, रैबिट हू वियर्स अ वेस्टकोट, एक रैबिट जो वेस्टकोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। एलिस जो थी वो क्यूरियोसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा उत्सुकता सी जानने के लिए कि ये खरगोश कहाँ जा रहा है, कौन है, इसलिए वो उसके पीछे चल पड़ी, उसका पीछा करने लगी। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट जो था वो तेजी से भागने लगा क्योंकि वो तो लेट हो रहा था और एलिस उसका पीछा करने लगी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। तभी जो रैबिट था वो अचानक से एक बड़े से होल के अंदर, होल जानते हो ना रैबिट कहाँ रहता है, होल के अंदर रहता है, तो वो एक होल के अंदर घुस गया। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। एलिस भी उस रैबिट के होल के अंदर यानी कि जहाँ पे वो अंदर गया था उसके अंदर छलांग मार के वो भी चली गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। रैबिट जो था नीचे की तरफ जाता गया, बहुत नीचे 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 और नीचे। एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई। एलिस जोर से बोलने लगी, मैं कहाँ पर हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन। कितनी मील नीचे मैं गिर रही हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैं कहीं ना कहीं अर्थ के सेंटर के करीब पहुँच गई हूँ। अब देखो ना अर्थ हमारी कैसी, एक तरह से गोल जैसी दिखाई देती है ना, तो ऊपर से अगर हम अंदर जाएंगे, हाँ ओवल शेप उसका, मतलब अंदर जाएंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब उसके सेंटर में पहुंच जाएंगे हम। तो एलिस इतनी देरी से मतलब गिरती जा रही थी अंदर, थी उसको लग रहा था कि मैं तो कहाँ पहुंच गई हूँ, लगभग अब अर्थ के सेंटर में पहुंचने वाली होंगी। शी वंडर्ड विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। वो सोचने लगी कि कहीं मैं अर्थ के इस तरफ से गिरी हूँ अंदर और मैं दूसरी तरफ से बाहर ना निकल जाऊँ, कहीं ऐसा तो ना हो जैसे अभी हमने बॉल में कैसे होल किया था, एक तरफ से होल करेंगे बॉल में तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा ना होल वैसे। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तभी धुम करके वो गिरी, पाइल, पाइल का मतलब होता है ढेर, ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्तों के ढेर पे वो लैंड कर गई यानी कि नीचे पहुंच चुकी थी वो। शी लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, क्विकली जल्दी से चारों तरफ देखा, एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन। फिर से उसको वही व्हाइट रैबिट दिखाई दिया। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, वो ये कहते हुए गायब हो गया। क्या कहते हुए गायब हो गया? Oh, my ears and whiskers, how late it's getting. मेरे कान
और मेरी मूछें, विस्कस बोलते हैं जो मूछें होती है ना उसकी, उसके मुंह पे बाल होते हैं जैसे वो, और वो बोलने लगा, अरे मैं कितना लेट हो गया हूं। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी हुई और उसने देखा एक, उसको डोर दिखाई, एक दरवाजा दिखाई दिया जिसकी जो हाइट थी वो फिर सिर्फ 15 इंचेस थी। 15 इंचेस का मतलब कितना हुआ पता है आपको? आपका एक बड़ा स्केल आता है, जो बड़ा वाला स्केल आता है ना बच्चों, बड़ा स्केल जो होता है हमारा वो 12 इंचेस का होता है। तो 12 के अंदर आप 3 इंचेस और जोड़ दो उसी स्केल में से काट के, तो समझो कि एक स्केल से थोड़ा सा बड़ा गेट था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। वो इतना छोटा था कि एलिस तो उसमें से नहीं घुस पाएगी ना। शी सॉ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन। उसने एक ग्लास का टेबल देखा जिसके ऊपर गोल्डन की पड़ी थी। क्या पड़ी थी ऊपर? गोल्डन की, चाबी पड़ी थी गोल्ड की। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। उसने उस चाबी को उठाया और लॉक में डाला और वो लॉक खुल गया। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इन टू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। एलिस ने दरवाज़ा खोला और ये देखिए, जैसे आप देख सकते हो ना, दरवाज़ा इतना छोटा था कि एलिस का चेहरा ही उसमें आ पाया, अंदर तो आ ही नहीं पाएगी। तो एलिस ने देखा तो अंदर बहुत ही खूबसूरत गार्डन था, बहुत ही प्यारा गार्डन था। तो गार्डन जो था वो कहा गया है कि इट वॉज वन ऑफ द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। उसने अभी तक कभी ऐसा खूबसूरत गार्डन नहीं देखा था, इतना खूबसूरत वो गार्डन था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर वे। उसका मन करने लगा कि वो जाए और इस खूबसूरत जो फूलों से भरा हुआ जो ये गार्डन है जिसके अंदर फाउंटेन्स है, फाउंटेन्स में फवारे लगे हुए हैं, वो जाए और उनके अंदर खेले कूदे। लेकिन इतना छोटा दरवाजा था कि उसके अंदर तो सिर्फ उसका सर भी फिट हो, सर से ज़्यादा तो फिट ही नहीं हो पा रहा था कुछ सिर्फ, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल था। आप इमेजिन करो ना, एक स्केल जितना बड़ा अगर होगा हमारा गेट तो उसमें से हम थोड़ी निकल पाएंगे। ओह आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। वो बोलने लगी, काश मैं छोटी हो पाती, अगर वो छोटी हो पाती तो उस गेट में से वो पास हो सकती थी। ये कहानी इतनी ही दी गई है बच्चों, ये जो कहानी है हमारी ये ली गई है एक किताब में से जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड, जिसको लिखा है लिविस कैरल।